हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब ठीक ठाक होंगे, आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे तरह व्यस्त होंगे। मैं भी मॉर्निंग से काम कर रही हूँ। मैंने सोचा अपने गार्डन का थोड़ा सा चीज़ आप लोग को शेयर करूँ, इसीलिए मैं अपना गार्डन का पूरा ये साग सब्जी दिखा रही हूँ। आज मुझे मूड हो गया कि सवेरे खेत में आने का, इसीलिए मैं खेत में आ गई तो नंगल जी भी खेत में आए और नंगल जी मुझे हेल्प कर रहे हैं। देखिए गाइस, नंगल जी मुझे हेल्प कर रहे हैं, सब्जी में तराई कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ऐसे मिलके काम करते हैं। मैं आ जाती हूँ खेत में तो नंगल जी को भी बुलाती हूँ, थोड़ा हेल्प कर देते हैं। मुझे अच्छा लगता है, ऐसे हेल्प करना चाहिए। हम लोग मॉर्निंग से वीडियो बना रहे हैं और काम भी स्टार्ट कर दिया हमने। सुबह से काम कर रहे हैं, तराई कर रहे हैं, सुबह से लगे हैं। हम लोग अंदर का काम थोड़ा आराम से करेंगे। आज मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ, मैं मेरा गार्डन को दिखा रही हूँ आप लोग के साथ, शेयर कर रही हूँ हमने क्या क्या बो रखा है, अब सीजन क्या है, क्या बोना है, क्या बो रखा है, इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ नंगल जी के साथ। नंगल जी सबको, मेरे यूट्यूब फैमिली को सबको बाय करे, हाय करे। हाँ देखिए गाइस, यहाँ पर गोभी बो रखा है, रोज़ पानी देना पड़ता है। आजकल बारिश नहीं हो के मिट्टी सूखी सूखी है तो हम लोग रोज़ पानी देते हैं, शाम को रोज़ पानी देते हैं। आज तो मैं सुबह पानी दे रही हूँ और गोभी पत्ता भी अच्छा अच्छा दिख रहा है। चुकंदर को रखा है, चुकंदर बहुत ज़्यादा घना हो गया था और मैंने छोटे छोटे पौधा को ट्रांसपोर्ट किया, बहुत बढ़िया हो रहा है। थोड़े दिन हुआ है, 10 दिन हो गया था। और थोड़ा सा मूली बो रखा है, यहाँ छोटी जगह में बो रखा है अभी तो। यहाँ थोड़ा सा बीन्स भी बो रखा है, बीन्स 45 दिन में हो जाता है। वैसे सीजन आ गया बीन्स बोने का, किसने तो पहले बो दिया, मैंने अभी 2 हफ्ता पहले बोया, अभी ठीक हो रहा है। अभी सीजन भी है ना, अभी बोने का और टाइम है। अभी अरबी अदरक बोने का सीजन हो गया और मैंने छोटा सा जगह खाली में अदरक बो रखा है। परसों ही बोया, 2 दिन हो रहा है अदरक बोया, तो अभी अरबी भी बोना है। और बरसात में बोने वाला सब्जी का भी सीजन आ गया, बो रखा है। अभी कहीं कहीं 2 पत्ते आ रखा है कद्दू लौकी का, और कहीं नहीं जम रखा है, तो नहीं हरा है, इसलिए मैंने वो छोटा छोटा पौधे नहीं दिखाया। ये है देसी टमाटर, देसी टमाटर का 2 पेड़ था, एक पेड़ तो बहुत ज़्यादा घना हो रहा था, फल बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो बाड़ी में नींबू का पौधा है और एक है, ये है नींबू का, मोर पंख। देखिए गाइस, ये लहसुन, ये
ये नींबू नींबू पेड़ है, तो बारह माह नींबू खिलते हैं। ये देखिए गाइस, ये गार्डन, ये हमने लहसुन बो रखा है। देखिए गार्डन गाइस, ये है चुकंदर, ये लहसुन, ये प्याज, ये हमारी मैडम सिंचाई कर रही है। देखिए ये धनिया, ये लहसुन, देखिएगा इस गार्डन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करेंगे तब तो ताजे ताजे सब्जी खाएंगे, मेहनत तो करना ही पड़ता है, क्या करें। और जहाँ पानी नहीं पड़ा वहाँ छोटा हो रखा, तो मैं थोड़ा उस साइड को पानी ज़्यादा डाल दी हूँ। धनिया भी फूल गया, और धनिया फूलने के बाद हम लोग इसी का बीज रखते हैं और पिसा के पाउडर भी बनाते हैं मिक्सी करके। देखिए चुकंदर, ये ट्रांसपोर्ट किया चुकंदर है। नंगनाल जी, देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा गमला खेत में भी रखा है, और टाइम मिलेगा तो मैं अपना गमले हमले का फूल फूल का भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना। देखिए इस बार का प्याज तो पौधे अच्छे हो रखा है, अब प्याज होने का सीजन भी हो रहा है, प्याज भी बड़े हो गया, पत्ता खाने लायक का हो गया। इसके बाद हम लोग प्याज होने के बाद प्याज को निकाल के मक्का बोएंगे, फिर आएगा मक्का का सीजन। और ये है लहसुन, और लहसुन का पत्ता भी सूखने लग गया। हम लोग ने अक्टूबर नवंबर में लहसुन बोया था, बहुत टाइम लग जाता लहसुन होने में मतलब। और ये हम लोग निकालेंगे अप्रैल मई में निकालेंगे, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया। ठीक है गाइस, लहसुन यहाँ भी नंगनाल जी तराई कर रहे हैं, और ऐसा होता है जगह जगह में बोना पड़ता है, जहाँ खाली होता है वहाँ बोना पड़ता है। मेरे खेत में मटर नहीं दिख रहा ना अभी, हम लोग ने कल परसों मटर निकाल दिया, यहाँ से मटर निकाल दिया, और
यहाँ बोना भी है, अरबी बोएंगे और मटर का छिलका यहाँ डाल रखा है। नंगल जी तराई कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए। और यहाँ जहाँ पानी नहीं डाल रखा है वहाँ पर मैं अरबी बोऊंगी, और अरबी बोने का भी टाइम आ गया। मॉर्निंग वॉक हो रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है। आप हेल्प करते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मेहनत करेंगे तो सब्जी खाने को भी मिलता है, क्यों नंगनाल जी? सही बात है ना? अरे मोनू पानी बंद कर दे। मोनू, हमने सारा तराई कर दिया और सूखे पौधा को, पेड़ पौधा को, सबको पानी मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, और पौधे को पानी मिला तो पौधों को भी अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं वीडियो इसी में एंड करती हूँ। हाय बाय। बहुत अच्छा लगा काम करके, और हम लोग भी व्यस्त है, नाश्ता खाने का टाइम हो गया। हाय बाय, स्वस्त रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। बाय, फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। हाय।